عشناه بنودعك بدموع العين. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ फ़ातिमा सैफ़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम रमज़ान मेहरबान। आज भी मेरे स्टूडियोज़ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। मेरे लिए हर पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सबसे बड़ी नाज़रीन वजह यह है कि वो हमें सर्व करते हैं, पाकिस्तान को सर्व करते हैं, और वो तमाम लोग जो इस कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कर रहे हैं, वो बहुत काबिल इज़्ज़त हैं और उनकी जो खिदमात हैं वो काबिल एहतराफ़ भी हैं। आज भी मैं बताती चलूँ कि जहाँ पर बात आती है लोगों की मदद की तो और उनकी उनसे ताल्लुक़ की, उनके लिए सर्विसेज की, तो पुलिस का नाम जो है वो पाकिस्तानी पुलिस का नाम ज़रूर सरे फहरिस्त आता है। क्योंकि पाकिस्तानी पुलिस के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि चाहे ईद हो, चाहे शबरात हो, चाहे मेराज हो, वो अपनी छुट्टियां मंसूख करके अपनी फैमिलीज़ को जो है छोड़कर ड्यूटी करते हैं। और क्यों करते हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ़ करवाती चलूँ, बहुत स्वीट सा कपल है और मैं जब मेरे स्टूडियो में वो आ रहे थे तो मैं देख रही थी, दे रिजेंबल ईच अदर। शायद शादी के बाद आपकी शक्लें भी मिलना शुरू हो जाती हैं। चले अब मैं आपको जो है ना क्या कहते हैं उसमें मज़ीद उसमें रखूँगी क्यूरियोसिटी में। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो हैं एस पी मुजाहिद स्कॉट अतर वहीद साहब और उनकी मिसेज एएसपी हैं अमारा वही, जो कि गार्डन टाउन में तायुनात हैं। थैंक यू सो मच। और क्या हाल है आप लोगों का? फाइन। कैसी गुजर रही है जिंदगी आप लोगों की? जिंदगी अभी काफ़ी अच्छी गुजर रही है। बोथ आर वेरी बिजी, सारा दिन हमारा जॉब में और अपनी फील्ड की उनकी पोस्टिंग्स हैं तो उसमें बिजी रहता है, लेकिन जो टाइम हम घर पे गुजारते हैं वो हमारी मैक्सिमम जो होता है डिज़ायर वो यही होता है कि बच्चों को टाइम दें, दोनों बच्चों को, और आउटिंग के लिए जाएं। लेकिन ओवरऑल बिकॉज वी अंडरस्टैंड एक दूसरे की जॉब की रिक्वायरमेंट्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो बड़ी अच्छी जा रही है उसकी वजह से ना। अच्छा, चलिए कुछ आपकी फैमिली के बारे में बात करती हूँ। अच्छा साहब, आपसे पूछूंगी मैं कि आप, पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपकी अरेंज मैरिज थी? इट वाज अरेंज मैरिज एंड वी सॉ ईच अदर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मैरिज। सीरियसली? आपको पता था कि ये है, पुलिस में है? नहीं नहीं, बेसिकली इस तरह हुआ कि हमारी शादी के बाद हमारा वी हैड वन किड, एक हमारी बेटी थी, उसके बाद इन्होंने सीएसएस किया। एक्चुअली हमारा मैं आई वाज सीनियर, मैं 2000 में ज्वाइन किया पुलिस सर्विस को, एफ्टाबाद में पोस्टिंग थी। तो शी डिड एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम कायदे पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पढ़ने का शौक था सीएसएस करने का। फादर वाज आल्सो पुलिस ऑफिसर, डीआईजी थे वो। तो उनकी फात के बाद शी गॉट मोटिवेशन के मैं भी पुलिस ज्वाइन करूँ। तो उसमें मुझे भी पढ़ने का थोड़ा सा शौक था एंड आई विश आर के जी ये सीएसएस करें रादर देन के स्टार प्लस देखें, तो सीएसएस इज द बेस्ट चॉइस। जी जी, सास बहू के ड्रामे देखें। तो वो एक बुक किरण बेदी का एक नाम सुना होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी। शी इज द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हमारे हमसाया मुल्क में, पहली खातून पुलिस अफसर हैं। उनकी किताब है जिसका टाइटल है आई डेयर। आई डेयर, ठीक है, कि मैंने जुर्रत की। बिल्कुल ठीक। तो वो मैंने किताब भी इनको दी और इनकी अपनी एक सेल्फ मोटिवेशन भी थी। और फिर मैं शादी के बाद दिया? जी शादी के बाद। नहीं, तो शादी के बारे में आप बता रहे थे, आप लोगों ने आपको शादी पे फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा? फर्स्ट टाइम। पहले एंगेजमेंट नहीं हुई थी आपकी? जी पहले एंगेजमेंट थी, लेकिन आई डिड नॉट मीट हिम और सी हिम और टॉक टू हिम, कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं थी आपस में। लेकिन आपने उस वक्त क्या किया था जब आपकी शादी? आई वॉज जस्ट एन एम बी ए, एम बी ए बिल्कुल मास्टर्स खत्म हुआ था। तो आई गॉट मैरिड, आफ्टर दैट आई हैड अ डॉटर, बेटी थी मेरी, जब टू इयर्स थी मेरी बेटी थी, तो फिर मैंने सी एस एस के एग्जाम दिए थे। तो फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू किया? हाँ। अच्छा ये बताइए, सेम प्रोफेशन, आप दोनों से मैं पूछूंगी, सेम प्रोफेशन में होना कैसी बात है? कई लोग कहते हैं जी सेम प्रोफेशन में मियाँ बीवी को नहीं होना चाहिए, उसकी खामियां उसको पता लग रही होती हैं, उसकी खामियां उसको पता लग रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी शादी होती है तो आपने मियाँ बीवी, हालांकि बहुत क्लोज रिलेशन होता है, उसमें भी आपकी कोई ईगो भी होती है, कोई रिस्पेक्ट भी होती है, और फिर जाहिर बात है जब सेम प्रोफेशन में हो तो फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं प्रोफेशनल किस्म की। लेकिन मेरे ख्याल में जो कोलीग्स होते हैं ना उनसे एक फॉर्मल रिलेशन एक होता है। अच्छा, इनके साथ भी फॉर्मल रिलेशन होता है? शी इज द कोलीग एज वेल एज फर्स्ट वाइफ है ना, तो इसमें इनफॉर्मल एंड फॉर्मल का कॉम्बिनेशन है। मेरे ख्याल में जो एज एन ऑफिसर माय कंडक्ट और जो मेरे डिसीजंस हैं वो जॉइंटली डिस्कस सम टाइम्स कि ये अप्रोप्रिएट डिसीजंस है या नहीं है, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज में है अपनी सर्विस की। मैंने कुछ 7-8 साल अभी कर लिए ये जॉब, अभी तो नियर प्रमोशन, अभी कोर्सेज वगैरह कर लिए हैं एमसीएमसी, तो अभी, लेकिन उससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी सीखता है एक दूसरे से इंसान है ना। और सेकंड जो मैं जो हमारे देखने वाले हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो 100% में से 50% खवातीन है। अच्छा, 50% आप देखें 100 में से
अगर 50 लोग पॉपुलेशन के 51% अच्छा वो अगर कुछ नहीं कर रहे उनकी रिप्रेजेंटेशन अदारों में नहीं है, अगर उनके पास डिसीजंस मेकिंग नहीं रहे, एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें हमारे मुल्क में बड़ी एनजीओस काम कर रही हैं, बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़ी डिस्कशंस होती हैं। मैं इसका तीन चीज़ों का मतलब समझता हूँ कि एक औरत को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस होनी चाहिए फॉर द चॉइस ऑफ स्पाउस, उसको शादी, ठीक है, और दूसरी जो उसको आज़ादी होनी चाहिए वो अपने प्रोफेशन, आप एक एनजीओ बना लें सीरियसली, जो खवातीन देख रही है ना माजद के साथ, आप आपने इसको माइंड नहीं करना, वो बहुत अप्रिशिएट करेंगी, और आप हकूक निस्वा के एनजीओ बहुत अच्छी। देखें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हमारा दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रादर देन ये क्लासरूम डिस्कशन से हमें बाहर आना चाहिए, हमें सेमिनार से बाहर आना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन, और ये एक बहुत बड़ी डिबेट रही है। शी वी आर द फर्स्ट पीएसपी कपल इन पाकिस्तान और शी इज़ द सेकंड पीएसपी ऑफिसर, फीमेल पीएसपी ऑफिसर, ये एक इनसे एक सीनियर हैं जो पिछले साल में आई हैं। अगर आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की खातून वजीर आज़म हो सकती है, ठीक है, तो पुलिस में क्यों नहीं आ सकती खातून पुलिस ऑफिसर? अच्छा नहीं, मुझे ये बताइए कि आप, ठीक है, जो टिपिकल पाकिस्तानी मर्द है ना मालूम के साथ, उनकी होती कि जी औरत शादी हो जाए, बच्चे संभाल ले, क्या ख्याल है हमारा, और घर में रहे और फैमिली को टाइम दे, लेकिन असर आपसे मैं जानना चाहूंगी, यू बीइंग मैन, ठीक है, और आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं? आपके जहन में कभी ये बात नहीं कि भाई औरत है, औरत को घर में रहना है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, उसको टाइम देना है? नहीं, देखें ये रोल्स जो डिफाइन किए हैं ये हमारे कल्चरल एक परस्पेक्टिव में डिफाइन हुए हैं ना, आप नए ज़माने की जो ज़रूरियात के मुताबिक, जिस तरह मैंने बताया कि 100 बंदों में से 50 बंदे आपके ख़वातीन अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, 25% आपके नौजवान हैं जो 14 अगस्त पे वन व्हीलिंग करते हैं, बाद में सिर्फ 10% लोग इस माशरे में जीएनपी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब 100 में से सिर्फ आपके 10 बंदे, दिस इज़ द बेसिकली बेंच मार्क जिसे हमें डिसाइड करना होगा, हमारे जहनों में वो एटीट्यूड नल चेंजेस आने चाहिए कि आप खवातीन को आगे लाएं, वो अगर पार्लियामेंटेरियन हो सकती हैं, पुलिस अफसर हो सकती हैं, पुलिस की जॉब, बहुत नाम सुन के असर, और हमारा मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, बल्कि अगर मैं जाती मुझसे कोई पूछे तो बड़ा लगता है कि एक औरत पुलिस के अंदर, क्योंकि जो हमारे सिनेरियो हुए, इस किस्म के वाकयात होते हैं, हमारा क्या ख्याल है, तो वो सोच के ऐसा डर लगता है कि एक औरत कैसे हैंडल करेगी? देखें उसमें मैंने बताया कि उन औरतों के बारे में भी सोचें जो हमारे थानों में आने से डरती हैं, बिल्कुल, उन औरतों के बारे में भी सोचें कि जिनके साथ इंजरी के केसेस, मर्डर के केसेस होते हैं, केसेस ऐसे होते हैं, वो मर्द जो पुलिस अफसर होते हैं उनको नहीं बता सकती, और मैं समझता हूँ ये एक हमारा सॉफ्टर इमेज भी है पुलिस का, कि पुलिस सिर्फ मारदाड़ के लिए नहीं है, पुलिस थाना कल्चर जिसे कहते हैं, जी जी, वो एक इस्तेमाल इस्तेमाल होती है, पुलिस का असल मकसद लोगों की सर्विस प्रोवाइड करना, बिल्कुल, उनकी जान माल इज्जत की हिफाजत करना, और वो क्या एक खूबी है जो एक मेल पुलिस अफसर में होती है और फीमेल में नहीं होती, मे बी द फिजिकल फोर्स, इस खूबी के बारे में हम बात करेंगे, मैं भी इस पर डिस्कशन करूंगी, लेकिन वक्त हो गया हमारे यहाँ पे ब्रेक का, बहुत खामोश बैठी हैं, आपसे भी कुछ क्वेश्चन करूंगी, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बिन वदाक बिन मोहब्बत